हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टडी ऑफ कंपाउंड से रिलेटेड एक टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस जो है हाइड्रोजन क्लोराइड तो आपको पता है कि आपको स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है और उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हाइड्रोजन क्लोराइड तो आज हम हाइड्रोजन क्लोराइड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी हेल्प कर सकते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास हैं वो है वन वर्ड और फ्रेज वाले क्वेश्चन जहां पे कि आपको आंसर वन वर्ड या फ्रेज में रखना होता है तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास गैस ओपटेन वेन रॉक सॉल्ट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको बताता हूं कि जो गैस मिलती है आपको कौन सी जब रॉक सॉल्ट रॉक सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड रॉक सॉल्ट किसको कहते हैं हम सोडियम क्लोराइड तो जब सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है किसके साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो आपको पता है ये क्या फॉर्म करता है ये फॉर्म करता है सोडियम बाईसल्फेट और अलोंग विद दिस इट फॉर्म्स एच यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर होगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड बहुत सिंपल सा आंसर है इसका तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप रीजन के साथ आंसर लिखिए केवल आंसर मत याद रखिए नेक्स्ट आपके पास केमिकल विच ऑन बीन एडेड टू सोडियम क्लोराइड विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस देखिए तो ये कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के साथ कौन सा केमिकल ऐड करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस फॉर्म होती है तो अभी हमने पिछली रिएक्शन लिखी द आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप किसके साथ ऐड करोगे सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे, करोगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा ये प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है एक्सपेरिमेंट टू डिमोन्स्ट्रेट हाई सोलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड तो याद होगा आपको हम एक एक्सपेरिमेंट करते थे जो यह बताता था, था कि हाइड्रोजन क्लोराइड इज हाइली सोल्युबल इन वॉटरिमेंट का नाम था फाउंटेन एक्सपेरिमेंट उस एक्सपेरिमेंट का नाम है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट तो आई होप ये भी आपको पता होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ड्राइंग एजेंट फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तो आपको पता है हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए ड्राइंग एजेंट क्या यूज करते हैं हम दैट इज कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हम ड्राइंग एजेंट यूज करते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और यही क्यों ऐड करते हैं बाकी एसिड्स को क्यों नहीं यूज करते हैं हम क्योंकि बाकी के जो सब्सटेंसेज होते हैं बाकी के जो ड्राइंग एजेंट्स होते हैं बेसिकली वो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ संभाव रिएक्ट कर लेते हैं और इस वजह से हम उनको यूज नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग एजेंट विच कैन नॉट बी यूज टू ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड तो बहुत सारे ड्राइंग एजेंट हैं जिनको आप यूज नहीं कर सकते हो लाइक like कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड करेक्ट या या फिर chloride, या फिर क्लोराइड तो ये भी ड्राइंग एजेंट्स होते हैं लेकिन आप इनको यूज नहीं करते हो क्योंकि ये हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर लेते हैं तो आपको किसी एक का नाम बताना था नेक्स्ट हमारे पास पोलर कोवेलेंट कंपाउंड विच ऑन वाटर प्रोड्यूस आयंस तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है कौन सा ऐसा पोलर कंपाउंड है कि जो वाटर जो वाटर में डिजोल्व करने पे आयंस प्रोड्यूस करता है तो ऐसे तो बहुत सारे पोलर पोलर हैं हैं जितने भी उनमें से एक है हाइड्रोजन क्लोराइड तो हाइड्रोजन क्लोराइड ये आयंस फॉर्म करता है जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करते हो फॉर्म करता है एच प्लस एंड सी एल माइनस आय क्लोराइड आयन तो आई होप कि आपको ये चीज पता चल गई होगी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अ लेड कंपाउंड दैट कैन बी यूज्ड टू ऑक्सीडाइज एच सी एल टू क्लोरीन तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को ऑक्सीडाइज करके हम क्लोरीन फॉर्म कर सकते हैं तो इसका नाम है फोर ऑक्साइड या लेड डाइऑक्साइड आप इसको कह सकते हो पीबीओ टू तो फोर ऑक्साइड को आप यूज कर सकते हो जो कि क्या करता है हाइड्रोजन uh, क्लोराइड को एस के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है मैं पूरी रिएक्शन बता देता हूँ आपको ये फॉर्म करता है लेड क्लोराइड साथ में वाटर और उसके साथ में क्लोरीन गैस तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो बहुत इजीली यहाँ पे फोर लिख लीजिए और यहां पे टू लिख लीजिए तो लेड का ये कंपाउंड है जिसको आप यूज कर सकते हो आई होप कि आपको होपोन समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द गैस मैग्नीज फोर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर हीटेड तो सेम क्वेश्चन है ये भी तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि पीबी नहीं पीबी ओ नहीं यहाँ पे मैग्नीज फोर ऑक्साइड है यानी कि एम है तो एम सेम रिएक्शन होगी यहाँ पे भी फोर एच और ये फॉर्म करेगा एम एन सी एल टू मैगनीस टू क्लोराइड प्लस वाटर और साथ में क्लोरीन गैस तो ये क्या पूछ रहा है कौन सी गैस इवॉल्व होती है द आंसर इज क्लोरीन गैस तो यहां पे आप कंसनट्रेटेड एस सी एल जब यूज करते हो तो फॉर्म करता है क्लोरीन गैस ये रिएक्शन मैंने आपको पहले भी कई बार बताई है तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टू कलरलेस गैसेज वेन मिक्स फॉर्म अ डेंस वाइट फ्यूम्स तो ये बहुत सिंपल सा है जैसे डेंस व्हाइट फ्यूम्स अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस दोनों कलरलेस गैस होती है और जब इनको हम मिक्स करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं गैस इवॉल्ड व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड इज एडेड टू लेड रेड लेड तो रेड लेड तो क्या होता है पहले आपको ये समझना है रेड लेड होता है आपका पीबी थ्री ओ फोर तो यहां पे भी सेम वही रिएक्शन होगी Pb3O4 को कंसंट्रेटेड HCl के साथ हम जब रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म करता है PbCl2 साथ में H2O और जो गैस इवॉल्व होती है दैट इज क्लोरीन गैस आंसर इज क्लोरीन गैस ध्यान रखना दिस इज क्लोरीन गैस आप इस रिएक्शन को चाहो तो बैलेंस कर सकते हो तो यहां पे आ जाएगा 3 4 और ये आपका फॉर्म करेगा क्लोरीन गैस तो इसका ध्यान रखिए द आंसर इज क्लोरीन गैस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सब्सटेंस विच रियक्ट विद कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू लिबरेट क्लोरीन तो यहाँ पे देखिए इतने सारे सब्सटेंसिस अलावा एम एन ओ टू हो गया ध्यान रखिये एम एन ओ टू पी बी ओ टू पी बी थ्री ओ फोर उसके अलावा आपके पास के एम एन ओ फोर है या फिर पोटेशियम पर मैगनेट के साथ साथ आप पोटेशियम डाइक्रोमेट भी आप यूज कर सकते हो तो ये सब कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पे क्या फॉर्म करते हैं क्लोरीन गैस लिबरेट करते हैं तो किसी का भी नाम आप इनमें से लिख सकते हो तो गैस सा है सपोज तो uh, एक एग्जाम्पल लेते हैं Na2CO3 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तो ये क्या फॉर्म करेगा ये फॉर्म करेगा सोडियम क्लोराइड अलोंग विद वाटर H2O और साथ में ये फॉर्म करेगा CO2 तो आपको कौन सी गैस मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड ध्यान रखना कभी भी या तो क्या समझ में आ गई होगी ये मैंने आपको ये भी कई बार बताया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एन एसिड विच इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा एसिड जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है तो उनमें से एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ध्यान रखना हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है बाकी नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड ये एजेंट नहीं है, हमारे पास है क्या नाम है इस मिक्सचर का इस मिक्सचर का नाम है एक्वारेजिया ध्यान रखना इस मिक्सचर का नाम है एक्वारेजिया जिसमें क्या होता है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जहां पे तीन पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के होते हैं और वन पार्ट नाइट्रिक एसिड का होता है ध्यान रखना और लास्ट है हमारे पास सबस्टेंस इन विच गोल्ड कैन बी डिजोल्व ये भी क्या है ये भी है एक्वारेजिया तो एक्वारेजिया जो है इसमें गोल्ड और प्लेटिनम दोनों को आप इजीली डिजोल्व कर सकते हो तो इसका आंसर क्या है एक्वारेजिया तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट द ऑब्जर्वेशन तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन बताने है कि observation क्या होगा आपका तो ध्यान दीजिए कि किस तरीके से आपको observations यहाँ पे लिखने हैं. तो यहाँ पे आपको पे पे लिखना है तो पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस पास थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन तो आप ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे तो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 के सॉल्यूशन से पास करोगे तो ये क्या फॉर्म करेगा ये फॉर्म करेगा एक जी AgCl का

ियम तो हाइड्रोक्साइडन तो तो या फिर अमोनिया सोल्यूशन के कॉन्टेक्ट में अगर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आती है तो उससे क्या होता है तो आपको मैंने अभी बताया था कि हाइड्रोजन क्लोराइड और अमोनिया जो, जो है जब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं इट फॉर्म अमोनियम क्लोराइडर

हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को पास किया लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में तो ध्यान रखिए और उसको उसके बाद हीट किया तो आपको पता है एच को जब आप इसके साथ लेड uh, नाइट्रेट के साथ हीट करते हो पहले लेड नाइट्रेट दैट इज पी बी एन ओ थ्री होल्ड ट्वाइस मैं आपको पूरी रिएक्शन के साथ बता रहा हूं करेक्ट तो ये क्या फॉर्म करता है ये फॉर्म करता है लेड क्लोराइड जो कि एक प्रिस्पटेट बनाता है ध्यान रखिए इट फॉर्म्स अ व्हाइट प्रिस्पटेट और साथ में आपको मिलेगा एच खैर इसका हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हमको क्या ऑब्जर्व होता है इट फॉर्म्स अ व्हाइट प्रिस्पिटेट चौकी वाइट प्रिस्पटेटिव फॉर्म करता है सो इट फॉर्म्स अ चौकी और जब आप इसको हीट करते हैं दिस चौकी चौकीट इज सॉल्युबल व्हेन हीटेड इट डिसॉल्व्स व्हेन इट इज हीटेड ध्यान रखिए ये खास बात होती है लेड क्लोराइड में कि ये लो टेम्परेचर पे यानी कि कोल्ड जब वाटर में डिसॉल्व करते हो आप इसको तो डिसॉल्व नहीं होता है व्हाइट प्रिस्पिटेट फॉर्म करता है लेकिन जब आप इसको हीट करते हो तो ये डिसॉल्व हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है

प्रिसिपिटेट तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि जब हम इसको सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में फॉलोड बाय एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये कह रहा है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन भी ऐड करना है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ऐड करके क्या होता है कि जो करडी वाइट प्रिस्पिटेट होता है यानी कि NH4OH के साथ ऐड करने पे ये फॉर्म करता है ए जी एन एच थ्री होल्डस यानी कि डायन सिल्वर क्लोराइड करेक्ट तो क्या लिखोगे यहां पे और ये जो डायमाइन सिल्वर क्लोराइड होता है दिस इज सॉल्ट तो क्या लिखोगे यहां पे लिखोगे कि फॉर्म विच इज सोल्यूबल इन एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो जब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड एड करते हो तो ये डिजोल्व हो जाता है तो ये आपको ऑब्जर्वेशन लिखना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फेरस फेरसल्फाइड इजेड विद डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत आसान सा क्वेश्चन है तो फेरस सल्फाइड क्या होता है एफई प्लस डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एच तो क्या फॉर्म करेगा है? ये फॉर्म करेगा फेरस क्लोराइड यानी कि एफई प्लस एच कभी भी किसी भी मेटल सल्फाइड को आप रिएक्ट करते हो किसी एसिड से तो यह क्या फॉर्म करता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस फॉर्म करता है और आपको पता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की खास बात क्या है

तो अभी मैंने आपको रिएक्शन बताई थी ये फॉर्म क्लोराइड साथ साथ में H2O, साथ में Cl2, और बाकी चीजों का आपको अगर पता ना भी चले लेकिन एक चीज का आपको इजीली पता चल जाएगा दैट इज सी एल टू और Cl2 के बारे में खास बात क्या है ये गैस है क्लोरीन गैस जो कि एक ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है तो आप क्या लिखोगे इसमें

वाटर फॉर्म करेगा क्यों जो क्लोराइड होता है कॉपर क्लोराइड ये तो डिजोल्व हो जाता है तो क्या लिखोगे आप यहां पे? और जो होता है, इसका कलर होता है ब्लैक तो क्या बोलोगे आप यहां पे लिखोगे कि द ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड इज इन कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो डिजोल्व हो जाता है इसमें तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैग्नीशियम स्ट्रिप इज ड्रॉप इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बड़ा सिंपल सा है ये मैग्नीशियम स्ट्रिप यानी कि मैग्नीशियम को आपने किसके साथ ट्रीट करना है तो ये सोल्ट तो, तो डिजोल्व हो जाएगा और साथ में फॉर्म करता है हाइड्रोजन गैस तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा ध्यान रखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखना आप यहाँ पे ये यह नहीं लिख सकते हो कि दिस कंपाउंड इज फॉर्म क्योंकि हमको देख के तो पता नहीं चलेगा कि वही कंपाउंड है तो क्या लिखोगे यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या होती है कलरलेस गैस होती है तो उसकी प्रॉपर्टीज आपको लिखनी होती है तो क्या लिखोगे पे अ कलरलेस लिखोगेस गैस इज प्रोड्यूस्ड विच बर्न इन एयर पॉप साउंड तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज लिखने की अगर आप इसको बर्न करते हो तो एयर में पॉप साउंड के साथ ये बर्न होती है तो आप इस तरीके से ऑब्जर्वेशन लिखोगे नेक्स्ट है वेन प्लेटिनम इज एडेड टू सोल्यूशन ऑफ एक्वारेजिया तो मैंने आपको बताया था प्लेटिनम जो होता है और गोल्ड जो होता है

प्लसिक्लोराइड सी एल टू प्लस एच टू वॉटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो यहां पे भी क्या लिखोगे अ कलरलेस ओडरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है तो आप ये वहां पे लिख सकते हो तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड

मेटल की रिएक्शन याद नहीं रख पाओगे तो एक एक रिएक्शन नहीं याद रखने बल्कि टाइप ऑफ रिएक्शन याद रखने की कि किस तरीके से रिएक्शन होती है तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देखते हैं आपको मैंने अभी बताया था हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बाई कार्बोनेट या फिर कार्बोनेट के साथ किस तरीके से रिएक्शन होती है तो यहां पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 और इसको आप HCl के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या फॉर्म करता है ये फॉर्म करता है सॉल्ट यानी कि NaCl प्लस वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी इसको आप बैलेंस कर सकते हो इजीली ये ऑलरेडी बैलेंस है तो ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई होगी नेक्स्ट है आपके पास आयरन 2 सल्फाइड तो आयरन 2 सल्फाइड यानी कि FeS तो इसके साथ अभी हमने रिएक्शन लिखी थी कि सल्फाइड्स के साथ मेटल सल्फाइड्स के साथ क्या फॉर्म करता है सॉल्ट यानी कि एफीसीएल प्लस साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस एच गैस फॉर्म करेगा और नेक्स्ट हमारे पास सोडियम सल्फाइड तो सोडियम सल्फाइड ध्यान रखें इट इज नॉट सल्फाइड इट इज सल्फाइड Na2SO3 और जब भी सल्फाइड्स को आप रिएक्ट करते हो एसिड्स के साथ तो ध्यान रखिए फॉर्म करता है सॉल्ट यानी कि NaCl प्लस वाटर यानी कि H2O और साथ में फॉर्म करता है सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ये फॉर्म करता है सल्फर डाइऑक्साइड तो जिस तरीके से कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं उसी तरीके से सल्फाइड जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन तो सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ हमको रिएक्शन करनी है तो चलिए देखते हैं सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन होता क्या है पहले सोडियम थायोसल्फेट का फॉर्मुला होता है Na2S2O3 तो ये होता है आपका सोडियम थायोसल्फेट और इसको अगर आप एस के साथ रिएक्ट करते हो तो ये सेम वैसी रिएक्शन होती है जैसे सल्फाइड्स की रिएक्शन होती है क्योंकि यहाँ पे एक एस ज्यादा है तो वो एस बच जाएगा बाकी सेम होगी यानी कि एन बताया था मैंने अभी आपको प्लस एच टू ओ प्लस एस ओ टू सल्फर डाइऑक्साइड और एक सल्फर एक्स्ट्रा है तो एक सल्फर आप एक्स्ट्रा लिख दोगे बाकी रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिए तो आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट देखिए बाइकार्बोनेट का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सोल्ट तो यानी कि सी एस सी एल टू प्लस वाटर फॉर्म करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो अब आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे तो यहां पे आ जाएगा टू यहां पे भी आ जाएगा टू और यहाँ पे भी आ जाएगा टू तो ये रिएक्शन इस तरीके से आपकी बैलेंस भी हो गई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट तो कार्बोनेट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि कार्बोनेट्स का क्या याद रखना है कार्बोनेट्स का ये याद रखना है कि कार्बोनेट्स के साथ भी सेम रिएक्शन होती है जैसे बाई के साथ रिएक्शन होती है यानी कि सी ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मला होता है प्लस एच और ये क्या फॉर्म करेगा ये फॉर्म करेगा सी एस एल टू प्लस एच टू वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो सेम रिएक्शन

हाइड्रोजन गैस साथ में फॉर्म करते हैं तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पोटेशियम पर मैगनेट पोटेशियम पर मैगनेट के साथ किस तरीके की रिएक्शन होगी पोटेशियम पर मैगनेट के एम एन ओ फोर तो यहां पर एम एन ओ फोर जो रिएक्ट करता है ये करता है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो मैं बैलेंस भी कर लेता हूं साथ में तो ये फॉर्म करता है एस सी एल के साथ के सी एल ध्यान रखिए सॉल्ट फॉर्म करता है यानी कि साथ में एम एन सी एल टू भी फॉर्म करेगा प्लस साथ में वाटर फॉर्म करेगा और क्लोरीन गैस मैंने पहले ही बताया था कि क्लोरीन गैस आपको फॉर्म करके देगा तो यहाँ पे 16 एच आ जाएगा 2 यहाँ पे भी आ जाएगा 2 और यहाँ पे 8 एच आपके पास हो जाएगा तो यहाँ पे वाटर बैलेंस हो गया यहाँ पे क्लोरीन आपको अब आप बैलेंस करना है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा फाइव सी तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा काफी सिंपल ये क्वेश्चन था नेक्स्ट है मैग्नीशियम मेटल तो मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन हमको करनी है तो मैग्नीशियम मेटल अभी मैंने मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन बताई थी आपको कि Mg plus HCl, क्या फॉर्म करेगा ये फॉर्म करेगा एम जी सी एल टू प्लस हाइड्रोजन गैस मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस कोई भी एसिड लिबरेट करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है तो यानी कि एनएच फोर ओ एच प्लस साथ में एच के साथ रिएक्ट करेंगे हम इसको तो ये क्या फॉर्म करेगा एन एच फोर सी एल सॉल्ट प्लस वाटर क्योंकि आपको पता है एसिड और बेस की रिएक्शन है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा नेक्स्ट हमारे पास मैग्नीशियम सल्फाइट अब ये मैग्नीशियम सल्फाइड आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम सल्फाइट ये एक सल्फाइट है और सल्फाइड क्या फॉर्म करता है सल्फाइड फॉर्म करता है सल्फर डाइऑक्साइड तो इसका आपको ध्यान रखना है यानी कि मैग्नीशियम सल्फाइट आपका क्या हो गया एम जी एस ओ थ्री प्लस वाटर के साथ अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा ये हम इसको react कर रहे हैं HCl के वाटर तो और एसओ टू सल्फर डाइऑक्साइड तो एक बात आपको पहले भी बताई गई है कि सल्फाइड क्या फॉर्म करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्ट वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और लास्ट है हमारे पास मैंगनीज मैंगनीज डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड यानी कि मैंगनीस देखिए फिर से रिएक्शन आ गई बार बार ये रिएक्शन आ रही है तो इसको एस सी एल के साथ कंसन एस सी एल के साथ रियक्ट करता है एम एन सी एल टू प्लस एच टू ओ प्लस साथ में क्लोरीन गैस तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो यहां पे और ये हो जाएगा बैलेंस तो आई होप कि ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है देखिए होती रहती हैं तो 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 आपको आपको भी भी करनी करनी और साथ ही तो चलिए शुरू करते हैं, one by one. तो जो रूल मैंने आपको अभी बताया था वही चीज़ ध्यान में रखनी है क्या ध्यान में रखना है सबसे पहले के सी एल के सी एल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बिलो 200 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे एस सी एल की प्रिपरेशन का एक इक्वेशन थी कि यहाँ पे क्या फॉर्म करता है के एच प्लस साथ में फॉर्म करता है एस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तो एस का फॉर्मेशन इस तरीके से होता है लेकिन अगर ये अब टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है तो क्या फॉर्म करेगा ये फॉर्म कर देगा सल्फेट अगर बिलो 200 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है तो बाई सल्फेट फॉर्म करता है यहाँ पे आपको दिख रहा है और यहाँ पे फॉर्म करेगा सल्फेट प्लस एच अब आपको बैलेंस करना पड़ेगा इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू और यहाँ पे भी लिखेंगे हम टू ये हो गई बैलेंस नेक्स्ट है सीयूओ प्लस डायलूट एस सी एल तो सी यू ओ प्लस डायलूट एस सी एल आपको पता है ये मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं बेस होते हैं और ये क्या है एसिड है और बेस और एसिड क्या बनाते हैं सोल्ट एंड वॉटर तो सी यू सी एल टू प्लस एच टू ओ यहाँ पे आप लिखोगे टू तो रिएक्शन हो गई बैलेंस के टू ओ मेटल ऑक्साइड एंड एस सी एल यानी कि सोल्ट एंड अगेन वॉटर बनेगा यहाँ पे तो के सी एल प्लस एच टू ओ यहाँ पे बनेगा यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस भी करना है रिएक्शन को नेक्स्ट है एच सी एल को जब आप हीट करते हो फाइव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे तो ये ब्रेक हो जाता है डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस में तो यहाँ पे आप टू भी लगाओगे आगे से तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिंक प्लस डायलूट एस सी एल तो जिंक और डायलूट एस सी एल यहाँ पे आपको मैंने बताया था अभी मेटल है और मेटल के साथ एस सी एल है तो यानी कि क्या फॉर्म करेगा जेडेंसीएल टू प्लस हाइड्रोजन गैस तो आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो तो देखिये सेम रिएक्शन रिपीट हो रही है आप यहाँ पे देख सकते हो इजीली आप इनको कर भी सकते हो नेक्स्ट देखिये सोडियम सल्फेट सॉरी सोडियम सल्फाइट आपके पास है और साथ में क्या है एस सी एल गैस है डायल्यूट एस नॉट एस सी एल गैस डायल्यूट एस सी एल है तो आपको पता है सल्फाइड के साथ एसिड क्या फॉर्म कर देंगे सॉल्ट यानी कि एनएसीएल प्लस वॉटर और साथ में फॉर्म करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस पे कौन सी गैस फॉर्म होगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए तो यहाँ पे टू आ जाएगा और यहाँ पे भी टू आ जाएगा नेक्स्ट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट विद डाइल्यूट डायल्यूट तो अगेन बताया था आपको कि क्या करना होगा आपको यहाँ पे सॉल्ट यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड सारे सॉल्ट क्लोराइड ही फॉर्म करेंगे एस के साथ साथ में वॉटर uh, और कार्बन डाइऑक्साइड तो सीओ टू साथ में फॉर्म होगा तो यहां पे रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिए यहां पे टू आ जाएगा यहां पे भी आ जाएगा टू और यहां पे भी आ जाएगा टू तो ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई होगी नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास लेड सल्फाइड विद डाइल्यूट एससीएल तो पीबीएस लेड सल्फाइड डायल्यूट एससीएल के साथ तो सल्फाइड का आपको बताया था ये फॉर्म करते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S तो इसका आप ध्यान रखेंगे इसको बैलेंस करेंगे यहां पे टू लिखेंगे आई होप कि आपको ये रिएक्शन भी समझ में आ गई होगी नेक्स्ट हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट विद डाइल्यूट एस तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता ही है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कौन सी रिएक्शन होती है कैल्शियम कार्बोनेट के साथ सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन कार्बोनेट के साथ वही होता है सॉल्ट so क्या होगा सॉल्ट यानी कि सी एस प्लस वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन था हमारे पास तो यहां पे भी रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे आई होप ये बैलेंस हो गई तो एक बार रिएक्शन हो गई तो आप इसको इजीली बैलेंस कर सकते हो यहाँ पे देखिए के एच एस ओ थ्री बाई सल्फाइट है ये तो बाई सल्फाइड भी क्या फॉर्म करते हैं सॉल्ट यानी कि के प्लस वाटर यानी कि एच और साथ में सल्फर डाई गैस तो एसओ साथ में ये फॉर्म करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पोटेशियम डाइक्रोमेट तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का मैंने आपको बताया था सॉल्ट यानी कि के सी एल और सीआरसीएल थ्री यानी कि ध्यान रखिये क्रोमियम जो सॉल्ट फॉर्म करता है सीआरसीएल थ्री करता है साथ में वाटर और साथ में क्लोरीन गैस ये फॉर्म करता है सीएल टू अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए तो ओ से बैलेंस करना शुरू कीजिए सेवन ओ है तो यहाँ पे सेवन एच टू आ जाएगा और यहाँ पे फोर्टीन एच सी एल आ जाएगा तो यहाँ पे फोर्टीन लगा लीजिए फोर्टीन एच सी एल और अब आप इसको पोटेशियम को भी बैलेंस कर लीजिएगा टू सी आर टू तो यहाँ पे देखिए सीएल सिक्स एट हो गए बचे कितने यानी कि तो तो MnO2, MnO2 की मैंगनीज डाइ ऑक्साइड विथ एच सी एल हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ यानी कि कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट करना है देखिए बार, -बार रिएक्शन आ रही है तो एम एन सी एल टू फॉर्म करेगा वाटर फॉर्म करेगा और साथ में क्लोरीन गैस फॉर्म करेगा तो आप इसको बैलेंस कर लीजिए यानी कि यहाँ पे आ जाएगा फोर और यहाँ पे आ जाएगा टू एच टू तो ये रिएक्शन हो चुके बैलेंस नेक्स्ट है सी ए ओ सी एल टू यानी कि ब्लीचिंग पाउडर विद एच सी एल तो यहाँ पे ये यह क्या फॉर्म करेगा ये फॉर्म करेगा सी ए सी एल टू प्लस साथ में एच टू ओ और साथ में क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर के साथ भी है क्लोरीन गैस ही फॉर्म करता है तो यहाँ पे इस चीज का आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे टू, टू, टू लिख लीजिए बैलेंस कर लीजिए इक्वेशन को तो आई होप कि आपको ये इक्वेशन भी समझ में आ गई होगी नेक्स्ट है हमारे पास एच सी एल विद एच एन ओ थ्री तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद नाइट्रिक एसिड तो आपको पता है ये बनाता है एक्वारेजिया यहाँ पे तीन पार्ट जो होते हैं वो एच सी एल के होते हैं और एक पार्ट एच एन ओ थ्री का होता है तो इसको हम कहते हैं एक्वारेजिया तो ये क्या करता है यहाँ पे फॉर्म करता है एनओ सी एल यानी कि नाइट्रोसिल क्लोराइड प्लस एच टू ओ वाटर और साथ में क्लोरीन यानी कि जो कि आप कहते हो जिसको दिस इज नेसेंट क्लोरीन तो नेसेंट क्लोरीन ये साथ में फॉर्म करता है जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है इसी की वजह से ये इजीली गोल्ड और प्लेटिनम को डिजोल्व कर लेता है तो आई होप कि आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होंगी नेक्स्ट है हमारे पास गिव रीजन तो रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आपको पूछे जाते हैं तो चलिए रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं तो पहला क्वेश्चन आपके पास है मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट हीटेड अबर ऑफ टू हंड्रेड डिग्री हाइड्रोजन क्लोराइड तो हमने देखा था कि 200 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसको हीट नहीं किया जाता है 200 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे ही उसको हीट किया जाता है तो ऐसा क्यों है क्योंकि आपको पता है कि 200 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये क्या बनाता है 200 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से नीचे सॉल्ट जो बनाता है जैसे एन ए एच SO4 सोडियम बाई सल्फेट बनाता है लेकिन अब हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से सल्फेट्स बनाता है और सल्फेट के साथ प्रॉब्लम क्या है ये स्टिक हो जाता है तो यहाँ पे आप आंसर क्या द मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट हीटेड अबव 200 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इन प्रिपेयरिंग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्यों बिकॉज एट ए हायर टेम्परेचर ऊपर के टेम्परेचर पे क्या होता है सोडियम सल्फेट इज फॉर्म सोडियम सल्फेट फॉर्म होता है और जो कि स्टिक हो जाता है एंड हार्ड सब्सटेंस एंड डिफिकल्ट टू रिमूव द रिएक्शन फ्लास्क तो वहां से एक बार चिपक गया तो उससे आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्विक लाइम एंड कैन नॉट बी फॉर ड्राइंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो मैंने आपको अभी बताया था कि क्विक लाइम और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड को आप ड्राइंग के लिए यूज नहीं करते हो ड्राइंग के लिए किसको यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इस क्वेश्चन को उल्टा भी यहां से पूछा जाता है कि वाई

केवल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं जो कि रिएक्ट नहीं करता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड इज नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर हाइड्रोजन क्लोराइड को हम वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं करते हैं अब ऐसा क्यों होता है इसका आंसर क्या होगा क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है इट इज हाईली सॉल्युबल इन वॉटर अभी वाटर में डिजोल्व हो जाएगा तो कलेक्ट तो नहीं करते हैं क्योंकि क्योंकि ये वाटर में हो हो जाएगा तो तो ऊपर कलेक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि सारी की सारी हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर में डिजोल्व हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन नॉट बी कंसनट्रेटेड बाय डिस्टिलिंग एट डायल्यूट डिस्टिलिंग द डायलूट एसिड तो ऐसा क्यों होता है डिस्टिलेशन से हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बना सकते हैं तो उसका एक रीजन है आपको पता होगा कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो वाटर के साथ एक मिक्सर तो बनाता है, अब इस की बात क्या होती है खास बात क्या होती है ये जो कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होता है ये एक सिंगल सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगता है सिंगल सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगता है और आप इसको डिस्टिलेशन से अलग करने की कोशिश करोगे तो जब आप इसको बॉइल करते हो तो बॉइल करने पे एस और वाटर दोनों एक साथ ही क्या करते हैं वेपर फॉर्म करते हैं अब जब दोनों एक साथ वेपर फॉर्म कर रहे हैं जबकि एस अलग अलग होता है टू का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है एल का तो हंड्रेड डिग्री सेल्सियस होता है लेकिन हीट करने पे एक साथ बॉयल होते हैं जब ये ट्वेंटी टू 24 परसेंट तक पहुंच जाता है और इसकी वजह से आप इनको क्योंकि वेपर दोनों की साथ बनती है तो आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हो तो कभी भी जब भी आप कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बनता है आपके पास तो आप उस सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते उस सब्सटेंस में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर में साथ में वेपर बनाते हैं और साथ में वेपर बनाएंगे तो इसकी वजह से उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है बाय डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन से आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आगे होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनहाइड्रस एस सी एल इज पोर कंडक्टर वाइल एक्व एस सी एल इज एन एक्सिले एक्सीट कंडक्टर तो आपको पता है कि एनहाइड्रस एस सी एल जो होता है यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होती है एनहाइड्रस फॉर्म में जबकि इसमें वाटर एड नहीं है ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है लेकिन जो एक्वा सोल्यूशन होता है जब आप एस को वाटर में डिजोल्व करते हो तो बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है अब इसका रीजन क्या है बहुत सिंपल इसका रीजन है क्योंकि जब भी आप एस को वाटर में डिजोल्व करते हो तो ये फॉर्म करता है एक्वा सोल्यूशन और एच प्लस और सीएल माइनस आइन सेपरेट हो जाते हैं तो आपको पता है जब भी वाटर को वाटर में डिजोल्व करते हो आप एस को तो ये क्या करता है एच प्लस एंड सी एल माइनस अलग अलग फॉर्म कर लेता है और ये एच प्लस आइन पता ही आपको वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर लेता है हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेते हैं यानी कि हाइड्रोनियम और क्लोराइड आय फॉर्म हो जाते हैं और इन क्लोराइड और हाइड्रोनियम आयन्स की वजह से क्योंकि फ्रीली ये मूव कर सकते हैं दैट्स वाई इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी लेकिन एनहाइड्रस एस में ऐसा कुछ नहीं होता है इनमें कोई भी फ्री आयंस नहीं होते हैं क्योंकि ये सिंपल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्योंकि चार्ज नहीं कैरी करते हैं इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सोडियम इज नॉट यूज टू प्रिपेयर हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपने ये तो खैर क्लास नाइन्थ में भी पढ़ा होगा कि सोडियम वॉटर uh, के साथ इसको ट्रीट करोगे करेक्ट या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसको ट्रीट करोगे फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट करोगे तो ये क्या फॉर्म करेगा एनए सी एल प्लस एच टू तो आप इसको बैलेंस कर सकते हो टू यहाँ पे तो इस तरीके की एक रिएक्शन होती है लेकिन हम इस रिएक्शन को लेबोरेटरी यूज नहीं करते हैं ये तो ऐसा क्यों होता है, होता है बहुत इजीली रिएक्ट करता है और इसकी वजह से जब भी आप इसको एच के साथ रिएक्ट करते हो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विच मे कॉज एन एक्सप्लोजन इसकी वजह से क्या हो सकता है एक्सप्लोजन हो सकता है तो इसका आंसर क्या होगा क्योंकि जो सोडियम मेटल है वो हाईली रिएक्टिव होता है और ये एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस होती है और इसकी वजह से देयर इज अ चांस ऑफ एक्सप्लोजन तो इसीलिए हम इसको यूज नहीं कर सकते और सोडियम मेटल को आपको पता है क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से इसको हैंडल करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है तो आई होप कि क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट है आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जिनके शॉर्ट आंसर्स हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट वन कंडीशन अंडर विच क्लोरीन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तो क्लोरीन और हाइड्रोजन यानी कि H2 एंड क्या फॉर्म करते हैं एच सी एल फॉर्म करते हैं तो आपको पता है ये कैसी रिएक्शन है इट इज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए लाइट चाहिए होगी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट तो डिफ्यूज सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन बहुत इजीली हो जाती है नेक्स्ट है गिव बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दी है नेक्स्ट है नेम द गैस इज अ कोवेलेंट कंपाउंड बट बिकम्स इलेक्ट्रोवेलेंट यानी यानी इलेक्ट्रोवेलेंट कि आयंस फॉर्म कर लेता है व्हेन इन वाटर तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जितने भी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ना वह ऐसे ही होते हैं वाटर में डिसॉल्व करके आयंस फॉर्म कर लेते हैं तो ये क्या है एक, आ, ये क्या है एससीएल गैस होगी यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड आप कह सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच गैस अमोनिया फाउंटेन एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज एक्सेप्ट अमोनिया यहाँ पे होना था फॉर विच गैट एक्सेप्ट तो एक्सेप्ट अगर अमोनिया को छोड़ के यहां पर एक्सेप्ट होना चाहिए एक्सेप्ट अमोनिया फाउंटेन एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज अमोनिया के लिए तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट हम यूज ही कर सकते हैं साथ में किसके लिए यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के लिए तो ध्यान रखना पूरा नाम लिखिए आप हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कलरलेस गैस जी फ्यूम्स स्ट्रॉन्गली इन एयर तो एक कलरलेस गैस है वो स्ट्रॉन्गली फ्यूम फॉर्म करती है अ गैस गिवस डेंस वाइट फ्यूम्स विदैस रॉड डि अमोनिया सोल्यूशन इज हेड नियर द गैस नेम दैस तो गैस जी जो है ये किसके साथ अमोनिया सोल्यूशन के पास आके डेंस वाइट फ्यूम फॉर्म करते है तो आपको पता है ये कौन सी गैस है गैस जी इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस गैस जी इज हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि एस गैस है ध्यान रखिए नेक्स्ट हमारे पास नेम टू केमिकल्स यूज इन प्रिपरेशन ऑफ गैस जी तो प्रिपरेशन ऑफ गैस जी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को कैसे प्रिपेयर करते हैं आपको पता ही है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को H2SO4 प्लस एन के साथ रिएक्ट करके हम फॉर्म करते हैं तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम क्लोराइड ये दो केमिकल्स हैं जिनको यूज करके हम लेबोरेटरी में इस गैस को प्रिपेयर करते हैं तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ केमिकल्स नेम इन क्या है यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे देखिए तो इक्वेशन भी लिखनी है यहाँ पे तो मैं यहीं पे लिख देता हूं H2SO4 टूसओ प्लस एन तो ये क्या फॉर्म करते, है? करते हैं ये फॉर्म करते हैं एन ए एच एस ओ फोर साथ में ये फॉर्म करता है एच सी एल गैस बस टेम्परेचर ध्यान रखना इट इज के बिलो टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस देखिए कितनी बार बारी रिएक्शन आ रही है करेक्ट वेन रिएक्शन मिक्सचर इज नॉट हीटेड तो यहाँ पे यही रिएक्शन रिएक्शन मिक्सचर इज हीटेड अबव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पे अबव हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो सेम रिएक्शन होगी हाँ अगर टू हंड्रेड यहां पे होता तो टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस के ऊपर क्या हो जाता सेकंड पार्ट का मैं लिख रहा हूँ एच टू एसओ फोर प्लस NaCl तो यहां पे कंप्लीटली रिएक्शन हो जाती और ये फॉर्म कर लेता Na2SO4 प्लस साथ में 2HCl ये फॉर्म कर लेता तो तब ये रिएक्शन हो जाती अगर 200 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से ऊपर का आपके पास टेम्परेचर होता नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वाई द गैस जी फ्यूम्स स्ट्रॉन्गली इन एयर तो गैस जी कौन सी है एच गैस है तो ये स्ट्रांगली एयर में क्यों फ्यूम फॉर्म करती है तो ध्यान रखिए ये बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है क्योंकि आपको पता है जो गैस जी है यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है इसको एयर में क्या होता है ये एयर में वाटर वेपर के साथ कंबाइन हो जाती है तो एयर में जो वाटर वेपर के साथ कंबाइन हो जाती है इसकी वजह से ये स्ट्रांगली फ्यूम्स फॉर्म करती है तो ध्यान रखिए बिकॉज इट कंबाइंस इज विध मॉइस्चर या फिर वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर

How will you dry SCL gas? तो पहला क्वेश्चन है कि आप SCL gas को कैसे ड्राई करेंगे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू पास करके ये होता है नेक्स्ट है हमारे पास गिव थ्री टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड तो हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए एक टेस्ट देना है आपको तीन टेस्ट देना है तो सबसे पहला टेस्ट आपको पता है वेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज पास थ्रू ग्लास रॉड इन अमोनिया इट फॉर्म्स डेंस तो ये आपकी रिएक्शन है तो तो पहला टेस्ट ये हो गया करेक्ट दूसरा टेस्ट जो है दूसरा टेस्ट आप ये कह सकते हो कि वेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज पास थ्रू सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन थ्रू पास करते हो सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन के थ्रू पास करते हो तो इट फॉर्म्स

चौकी व्हाइट प्रिस्पिटेट तो लेड क्लोराइड ए फॉर्म करता है चौकी व्हाइट प्रिस्पिटेट साथ में HNO3 ये फॉर्म करेगा तो ध्यान रखें इस चीज का तो ये आपके तीन टेस्ट हो गए और थर्ड क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है विच टू कलर विच टू कलरलेस गैसेस गैसे कंबाइन गैसे टू गैसे तो फॉर्म अ व्हाइट सॉलिड तो कौन सी दो कलरलेस गैसेस फॉर्म करती हैं एक व्हाइट सॉलिड इसका आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड अमोनिया गैस ये क्वेश्चन पहले भी आया था अभी आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टू ओपटेन हाइड्रोजन क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा आपको ऐड करना पड़ेगा कंसनट्रेटेड तो ये रिएक्शन हम बार बार पढ़ रहे हैं नेक्स्ट है हमारे पास राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन ए तो यहाँ पे रिएक्शन आपको लिखनी है तो सोडियम क्लोराइड बार बार देखिए क्वेश्चन आ रहा है फिर से तो एन ए सी एल प्लस एच टू एस ओ फोर ये क्या फॉर्म करेगा ये फॉर्म करेगा एन ए एच एस ओ फोर प्लस साथ में एच सी एल और टेम्परेचर बिलो टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमें वट वुड यू सी वेन हाइड्रोजन क्लोराइड इज मिक्सड विद अमोनिया तो आपको पता ही है इट फॉर्म्स डेंस व्हाइट फ्यूम्स आंसर क्या हो जाएगा इट फॉर्म्स डेंस व्हाइट फ्यूम्स और रीजन आपको पता है ऐसा क्यों होता है क्योंकि जब भी हम अमोनिया को रिएक्ट करते हैं एस के साथ तो ये क्या फॉर्म करता है अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करता है जो कि डेंस व्हाइट फ्यूम्स फॉर्म करता है तो इसका आंसर भी आपको मिल गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड डिजोल्व इन वाटर फॉर्मिंग एन एसिड सोल्यूशन तो देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड को आपने वाटर में डिजोल्व किया और ये एसिडिक सोल्यूशन फॉर्म करता है इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है नेम द एक्सपेरिमेंट व्हिचDemonstrate that hydrogen chloride is very soluble तो अभी क्वेश्चन आया था ये इसका आंसर क्या होगा कौन सा एक्सपेरिमेंट से पता चलता है इस एक्सपेरिमेंट का नाम है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट का नाम है ध्यान रखिए फाउंटेन एक्सपेरिमेंट गिव थ्री डिस्टिंक्ट टेस्ट यू वुड कैरी आउट विद दिस सॉल्यूशन इलस्ट्रेट द टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड तो तीन डिस्टिंक्ट टेस्ट आपको बताने हैं कि जिससे कि आपको ये टिपिकल प्रॉपर्टीज पता चलेगी एसिड की तो देखिए यहां पे तीन डिस्टिंग टेस्ट जो कि एसिड की, की प्रॉपर्टी बताते हैं तो आपको पता है एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेटल के साथ उसको रिएक्ट कर लो तो क्या फॉर्म करेगा हाइड्रोजन फॉर्म करेगा तो यानी कि मेटल कोई सा भी मेटल ले लीजिए यानी कि हमने आयरन ले लिया प्लस एच तो क्या फॉर्म करेगा एफईसीएल और साथ में ये कलरलेस गैस यानी कि हाइड्रोजन फॉर्म करेगा तो पहला टेस्ट कि वेन इट इज ट्रीटेड विथ मेटल एक्टिव मेटल इट फॉर्म्स अ कलरलेस गैस विच बॉन्ड्स विथ पॉप साउंड यानी कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है दूसरा टेस्ट दूसरा टेस्ट हम करते हैं डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिए तो दूसरा टेस्ट यानी कि एसिड के लिए बेसिकली तो दूसरा टेस्ट क्या होगा बेस के साथ तो वेन इट इज ट्रीटेड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या एक बेस है तो इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर तो क्या फॉर्म करता है एन एस सी एल और वाटर फॉर्म करता है लेकिन इससे आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि यहां पे कुछ भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा तो इसलिए आप ये रिएक्शन नहीं लिखेंगे चलिए नेक्स्ट हम करते हैं और क्या होता है कार्बोनेट्स के साथ तो आपको पता है व्हेन इट इज ट्रीटेड विद मेटल कार्बोनेट यानी कि जैसे सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको हम ट्रीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट और एस साथ में क्या बनाए गए एनएससीएल प्लस एच टू ओ प्लस सीओ टू तो क्या कहोगे इट प्रोड्यूसेस अ कलरलेस ओडरलेस गैस विच टर्स लाइम वाटर मिल्की तो आप ये भी कह सकते हो और सल्फाइड के साथ भी कर सकते हो आप एफ एस प्लस एच सी एल तो ये क्या करता है फॉर्म करता, करता है तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे वेन इट इज ट्रीटेड विथ फेरस एच टू ओ नहीं होगा यहाँ पे एच टू एस होगा इट फॉर्म्स क्योंकि एच टू एस जो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है इट अ गैस विच हैज रॉटन एग स्मेल तो एक कलरलेस गैस फॉर्म करता है जिसकी रोटन एग जैसी स्मेल होती है तो इस तरीके से आप ये रिएक्शन लिख सकते हो ये टेस्ट लिख सकते हो नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन बिटवीन मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो मैंगनीज डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में जब रिएक्शन होती है तो इनमें से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है इट इज ज डाइऑक्साइड होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऑक्सीडाइज कर लेता है सेकेंड है स्टेट योर ऑब्जर्वेशन वेन रॉड डिप्ड इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज ब्रॉट नियर द जार कंटेनिंग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस देखिए बार बार इक्वेशन आ रहा है तो यहां पे आपको पता ही है कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अगर है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में कोई ग्लास रॉड डिप्ड है तो क्या फॉर्म करता है अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करता है लेकिन ये ऑब्जर्वेशन नहीं होगा आपका ऑब्जर्वेशन क्या होगा क्योंकि अमोनियम क्लोराइड फॉर्म कर रहा है तो आपको पता है क्या लिखना ऑब्जर्वेशन में कि इट प्रोड्यूसेस डेंस व्हाइट फ्यूम्स क्या फॉर्म करता है डेंस व्हाइट फ्यूम से फॉर्म करता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटिंग योर आंसर ओनली कंपाउंड इन द फॉलोइंग लिस्ट तो जो कंपाउंडस है ये लिस्ट आपको दिख रही है आपका जो आंसर होगा वो इन्हीं कंपाउंड्स की लिस्ट में से होगा सिल्वर नाइट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ में है क्लोरीन अमोनिया ब्लीचिंग पाउडर हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड विस इज वाटर स्टेलाइजर तो कौन सा सब्सटेंस वाटर को स्टेलाइज करता है द आंसर इज क्लोरीन क्या होगा इसका आंसर क्लोरीन क्लोरीन को आप स्टेलाइज करने के लिए यूज करते हो यानी कि वाटर प्योरिफिकेशन के लिए जो जर्म्स क्लिन के लिए यूज करते हो नेक्स्ट है विथ सब्सटेंस फॉर्म कर डी व्हाइट स्टेट विद हाइड्रोजन क्लोराइड बहुत बहुत आसान इसका आंसर है द आंसर विल बी सिल्वर नाइट्रेट इसका आंसर क्या हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट तो ये देखिए बहुत आसान से क्वेश्चन है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं तो थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है नेम द गैस विच प्रोड्यूस डेंस वाइट फ्यूम्स विद अमोनिया तो डेंस वाइट फ्यूम्स इनमें से अमोनिया के साथ कौन प्रोड्यूस करता है तो देखिए अमोनिया के साथ डेंस व्हाइट फ्यूम प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्या यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड है बिल्कुल है तो आंसर विल बी हाइड्रोजन क्लोराइड थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास द गैस विच अ वाइट प्रिस्पेट व्हेन रिएक्टेड विद तो एक गैस है जो एक वाइट प्रिस्पेट फॉर्म करती है व्हेन रिएक्टेड विद विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एसिडिफाइड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड तो कौन सी गैस है जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करती है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रिस्प्रेट फॉर्म कौन करता है हाइड्रोजन क्लोराइड तो इसका आंसर भी हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा और लास्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है आपको कि सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन वाटर इज प्रिपेयर तो उस सॉल्यूशन को हम कहते क्या है उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये भी आपके पास ऑप्शन में था ऊपर तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है

हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्लस सल्फर तो इसका आप ध्यान रखोगे क्या फॉर्म करता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होती है ये फ्यूम बनाती है क्योंकि आपको पता है मॉइस्चर के साथ कंबाइन होकर फ्यूम्स फॉर्म करती है और साथ में sulfur. सल्फर सल्फर क्या है येलो सॉलिड है तो उन दोनों के आपको नाम लिखना है करेक्ट और नाइन्थ क्वेश्चन आपके पास है व्हाट इज एक्वारिजिया तो एक्वारिजिया क्या होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ

और साथ में क्लोरीन फॉर्म करता है तो ये जो क्लोरीन होते हैं बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव सो दे कंबाइन विद गोल्ड तो यहाँ पे आप रिएक्शन भी लिख सकते हो कि गोल्ड और नसन क्लोरीन की जो रिएक्शन होती है ये फॉर्म करता है ए सी एल थ्री या फिर प्लेटिनम के साथ प्लेटिनम के साथ भी सेम होता है नसन क्लोरीन के साथ ईजिली रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म देअर करस्पॉन्डिंग सॉल्ट यानी कि पी टी तो ये क्या करते हैं दे रिएक्ट विद िन एंड फॉर्म करस्पॉन्डिंग भी आपको समझ में आ गया होगा और अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट थ्रीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिकोक्लोरिकली बता सकते हो यहाँ मैंने आपको आंसर भी दिए है बहुत सारे यूजेस होते हैं तो मैन्युफैक्चर में सिल्वरक्लोराइड सिल्वरक्लोराइड को आप फोटोग्राफी में यूज करते हो उसके अलावा आप और भी कंपाउंड होते हैं जैसे डाइज हो गए ड्रग्स हो गए पेंट हो गए उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को यूज करते हो साथ में क्लीनिंग द मेटल सर्फेस जिसको आप एक टर्म देते हो इसको हम क्या कहते हैं पिकलिंग ऑफ मेटल ध्यान रखिए इसको हम क्या कहते हैं पिकलिंग ऑफ मेटल तो पिकलिंग में यूज होता है पिकलिंग में यानी कि क्लीनिंग द मेटल सर्फेस तो मेटल सर्फेस को क्लीन करते हैं हम कहते हैं पिकलिंग ऑफ मेटल उससे इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं उसके साथ साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग में गैलोनाइजेशन में सोल्डरिंग में उन सब में हम यूज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इस सब को करने से पहले पिकलिंग करते हैं पिकलिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है तो इसमें लगभग हम एसिड्स को यूज करते ही हैं सारे तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और अब आज का लास्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग क्वेश्चन आर परटेनिंग टू द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस राइट द इक्वेशन इन द प्रिपरेशन द कंडीशन रिक्वायर्ड तो आपको पता ही है रिएक्शन क्या होगी एन एन एस सी एल कोई भी सोल्ट एनएसएल या आप के सी एल भी यूज कर सकते हो प्लस एच टू एसओ फोर कंडीशन क्या है टेम्परेचर मस्ट बी बिलो टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड इट विल फॉर्म एनएसओ फोर और साथ में क्या फॉर्म करेगा ये साथ में फॉर्म करेगा एच सी एल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस दूसरा क्या है नेम द ड्राइंग एजेंट यूज एंड चॉइस तो ड्राइंग एजेंट क्यों यूज करते हैं हम कौन सा यूज करते हैं H2SO4. और क्यों यूज करते हैं देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैंने पहले ही बताया था बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तो ये रिएक्ट नहीं करता है इसलिए ये एक अच्छा ड्राइंग रिएजेंट है बाकी के जो सब्सटेंसेज होते हैं वो बाकी के ड्राइंग एजेंट रिएक्ट कर लेते हैं इसलिए हम उनको यूज नहीं कर सकते और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट अ सेफ्टी प्रिकॉशन यू वुड टेक ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिकोजन क्लोराइड गैस को वाटर uh, में डिजोल्व करते हैं तो वी हैटेड फ्लास्क इनवर्टेड फ्लास्क मस्ट बी यूज क्योंकि अदरवाइज अगर आप इन्वर्टेड फ्लास्क यूज नहीं करते हो तो बैक सेक्शन की वजह से आपका एपरेटस खराब हो सकता है तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे साथ ही ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट्स फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अमोनिया से रिलेटेड ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस। सो सी इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू वेरी मच